सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है और उसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ ए टू एम एक्टिविटी। सो इसमें पूछा है सो प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड बिटवीन हाउ मेनी डेज। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा इसमें इन डेज में पूछा हुआ है। ये हर एक एक्टिविटी दिया हुआ है यहां पे और वहां पे डेज भी दिए हुए हैं कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, कितने डेज लगेंगे वो दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग फाइंड करते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से, इस पॉइंट का अर्लीएस्ट टाइम जो होगा वो होगा जीरो। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे टू होगा, जीरो प्लस टू टू। फिर यहां पे भी सिंगल एक्टिविटी आ रही है सो जीरो प्लस फोर फोर। अब इस पॉइंट पे देखते हैं हम लोग, यहां पे आप देखेंगे कि एक एरो, ये दूसरा एरो, ये तीसरा एरो, तीन एरो आ रहा है यहां पे। तो उसमें से हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, हम लोग उसको कंसीडर करेंगे जो सबसे ज्यादा जिसमें टाइम लगेगा। अब ये टू प्लस फाइव सेवन होगा, यहां पे ये एट हो जाएगा, ठीक है, जीरो प्लस एट इज एट, ठीक है, नाइन प्लस फोर इज थर्टीन। सो इन तीनों में सबसे ज्यादा होगा थर्टीन, सो ये हो गया। फिर उसके बाद अब इस पॉइंट के लिए देखते हैं, यहां पे दो एक्टिविटी आ रही है सो ये होगा टेन प्लस टू ट्वेल्व और ये हो जाएगा थर्टीन प्लस सिक्स नाइनटीन। तो दोनों मैक्सिमम क्या है, नाइनटीन। अब इस पॉइंट पे देखते हैं, यहां पे तो सिंगल आ रहा है तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, थर्टीन प्लस थ्री सिक्सटीन। अब इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो तीन एक्टिविटी फिनिश हो रही है, तो सबसे ज्यादा टाइम किसमें लग रहा है, 19 प्लस 3 22 और 13 प्लस 10 ये हो जाएगा 23 और ये 16 प्लस 8 ये हो जाएगा 24। सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा वो होगा 24। तो 24 डेज लग रहे हैं इस पूरी एक्टिविटी को फिनिश करने के लिए। अब अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो उसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें 24 डेज दिया हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में 24 डेज मेंशन है, विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन।